खरगोन जिला अस्पताल की सबसे बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। एसएनसीयू में लंबे समय से वेंटिलेटर को बंद पटक रखा है, जो नवजात शिशुओं की जान बचाने के लिए सरकार ने उपलब्ध करवाया है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने क्यों इसे ढाक कर बंद कर रखा है, यह तो समझ से परे है। जबकि आंकड़ों को देखें तो साल भर में 377 नवजातों की मौत का आंकड़ा चीख चीख कर सिस्टम की लापरवाही उजागर कर रहा है। यह बंद क्यों है, इस पर सिविल सर्जन राजेंद्र जोशी कन्नी काट रहे हैं, जबकि इस मामले में कलेक्टर से लेकर विधायक तक जानते हैं। इनके द्वारा सिविल सर्जन को हिदायत देकर 2 दिन में वेंटिलेटर शुरू कर देने की बात भी कही थी, लेकिन अब तक सिविल सर्जन से लेकर एसएनसीयू स्टाफ ने कोई तवज्जो नहीं दी। आज भी यह पॉलीथीन से ढका हुआ बंद पड़ा है। इन मामलों से अब साफ समझा जा सकता है कि जिम्मेदारों की कथनी और करनी में कितना फर्क है, इन्हें किस तरह सिस्टम में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर अपने हिस्से की चिंता है, न कि इस सिस्टम के सुचारू चलने या मरीजों, प्रसूताओं और नवजातों की जान बचाने की। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। एसएनसीयू की हम बात कर रहे थे जहाँ नवजात ऐसे बच्चों को भर्ती किया जाता है जिनकी काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन होती है, लेकिन देखने में आ रहा है जो आंकड़े हैं वो बड़े चौंका देने वाले। प्रतिदिन एक बच्चे की मौत सामने आ रहे हैं आंकड़ों की हम देखने बात करें। देखिए, एसएनसीयू में जनरली क्रिटिकल बच्चे ही भर्ती होते हैं और उसकी मृत्यु होती है, पर अधिकांश बच्चे वहाँ से सही सलामत स्वस्थ होकर बाहर निकलते हैं। तो एसएनसीयू एक विशेष मतलब उपचार की विधि है जहाँ हम क्रिटिकल बच्चों को रखते हैं और वहाँ हमें एक स्पेशल स्टाफ और स्पेशल ट्रेंड पीजी डॉक्टर्स लगते हैं। और हमारे पास मुख्य समस्या ये आ रही है कि हमारे पास अभी वर्तमान में सिर्फ 2 ही डॉक्टर हैं जो पीजी हैं, और 2 ही डॉक्टर वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। एक डॉक्टर जो सहदे साहब थे उनका बॉन्ड पूरा हो गया तो चले गए। अब हमारे पास ये समस्या आ रही है कि उन्हीं डॉक्टरों से हमें दिन में भी काम लेना है, रात में भी काम लेना और उनको आप भी देना है, इसलिए परेशानी आ रही है। एचआर की समस्या है, स्टाफ नर्स की भी हमारे पास अत्यधिक कमी है। सर, इससे क्या वजह है कि फिर एसएनसीयू के जो डॉक्टर अशोक महाजन यहाँ पदस्थ होना चाहिए था, उन्हें डीआरपी में किया गया जबकि वहाँ की मूल पोस्टिंग एमबीबीएस डॉक्टर की है। देखिए, जहाँ तक सवाल है डीआरपी के डॉक्टर अशोक महाजन का, उस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये शासन स्तर का विषय है, शासन से आप इसका जवाब लें, वो बेहतर बता सकते हैं। वेंटिलेटर वहाँ पे बंद पड़ा है और जो बच्चों की जान जोखिम में होती है उन्हें बचाने के लिए काम कर, लेकिन लंबे समय से वेंटिलेटर बंद है। कई बार अधिकारियों के निर्देश में कलेक्टर तक निकाल, लेकिन अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा। प्रशासनिक जो वेंटिलेटर कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसको एक बार बंद कर दिया जाए तो फिर वो मैया चालू कर दिया जाए दिन भर चालू रहेगा। वेंटिलेटर को ऑपरेट करने के लिए रेगुलर स्टाफ लगता है, उसके लिए ट्रेंड हमारे पास स्टाफ चाहिए एक्स्ट्रा में जो उस वेंटिलेटर को ऑपरेट करे, बच्चे की आवश्यकता अनुसार से कम ज़्यादा करे, और इसी के साथ साथ ट्रेंड हमको नर्सिंग स्टाफ भी चाहिए जिसकी अत्यधिक कमी है। अगर हम एक बार वेंटिलेटर चालू कर देते हैं तो फिर उसको मेंटेन करने के लिए हमें स्टाफ चाहिए जो हमारे पास नहीं है। बच्चों की मौत के लिए जो उचित उपचार है वो तो मिल रहा है उनको और उसका पूरा इलाज हो रहा है, इसको वेंटिलेटर को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हाँ, मैं मानता हूँ कि वेंटिलेटर एक आवश्यक चीज़ है, पर उसके लिए जो एचआर लगता है, ह्यूमन रिसोर्सेज लगता है, जिसमें डॉक्टर भी आते हैं, लोअर स्टाफ भी आता है, उसकी कमी है, इसलिए वो चालू नहीं कर पा रहा।